नमस्ते अंकल। अरे क्या हाल है बेटा, कैसे हो? बढ़िया। हाँ। स्कूल चल रहा है? हाँ। कौन से क्लास में हो? थर्ड। तो यार कोई पोएम सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्या बात है, फिल्म में देखती हो? हाँ। सबसे प्यारा हीरो कौन सा लगता है? तेरे बाप से फलक से मैं चांद लाऊंगा। और हीरो कौन सा अच्छा लगता है? शाहरुख खान। और जनाब क्या फिल्म देखते हो? हाँ। अभी कौन सी पिक्चर देखी थी? जेलर। हीरो कौन था? रजनीकांत। क्या बात है, कैसी मूवी थी? अच्छी थी। ये गणेश जी कौन है, पता है गणेश जी के बारे में कुछ? नहीं। रामचंद्र जी के बारे में पता है कुछ? कृष्ण के बारे में पता है कुछ? नहीं पता। राम कृष्ण गणेश कोई नहीं जानता? क्यों, क्या भाई साहब? क्या करें भैया, स्कूल में स्कूल वाले को सिखाते नहीं है, बस सिलेबस दे देते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं बस। सब देखिए, स्कूल में अभी साहब अपन खुद का प्रेशर रहता है कि स्कूल वाले पढ़ाई में ध्यान दें, बच्चों के मार्क्स भी चाहिए हम लोगों को। ऐसे में हमारी भी जवाबदारी कुछ तो है, घर पे बच्चों को हम कम से कम धर्म के बारे में बताएं, भाई थोड़ा किटी पार्टी समय निकाल लें, थोड़ा टीवी समय निकाल लें, सीरियल छोड़ दें, और महीने में एक दिन कम से कम बच्चों को आधा घंटा टाइम दे दें अपन कि राम कृष्ण हमारे जो धर्म है उसके बारे में बताएं, हमारा धर्म क्या है। जब तक हम नहीं बताएंगे बच्चों को पता कैसे लगेगा? स्कूल पे आप डिपेंड मत रहो कि स्कूल सिखाएगा, क्या तो स्कूल पढ़ाई करा ले या धर्म के बारे में सिखा दे। और चूंकि परसेंटेज चाहिए हैं और फ्यूचर देखना है तो स्कूल तो वही पढ़ाएगा जो सिलेबस है। ये तो ड्यूटी हम पेरेंट्स की है कि बच्चों को महीने में एक बार कम से कम, एटलीस्ट हफ्ते में नहीं महीने में एक बार समय दें यार, टीवी का छोड़ दें, बाहर आउटिंग छोड़ दें, और गणेश जी के बारे में, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में बताएं। देखिए पहले जब जॉइंट फैमिली थी तो हमारे दादा दादी बताया करते थे, कहानी सुनाया करते थे, बच्चों को ज्ञान मिल जाया करता था। अब सिंगल फैमिली जो आप और हम ही हैं जो बच्चों को सिखाएगा इस बारे में, बताएंगे इस बारे में कि बच्चे भगवान कौन है, इष्ट कौन है। और आप एक चीज़ देख रहे हो हमी साहब की, जितने भी आजकल अदर कास्ट के लोग जो हैं हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं ना, उसके पीछे दोषी कहने के हम लोग हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारी प्रगाढ़ता क्या है, हमारी प्रभुता क्या है। इन्हें अगर पता होगा ना तो 100% आप मान के चलें कि दूसरे धर्म के लोग हमारा फायदा उठा ही नहीं पाएंगे। सही है गलत है, तो थोड़ा सा कोशिश करें बच्चों को, हमारे साथ पढ़ाई के साथ में ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अब से कोशिश करेंगे, हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल लेंगे एक आध घंटे बच्चों के लिए जो अपने धर्म के बारे में बच्चों को बिल्कुल होना चाहिए। और हाँ बेटा पता होना चाहिए धर्म के बारे में। अभी जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है तो उस दिन आप गणेश चतुर्थी में 10 दिन के प्रोग्राम्स के अंदर कुछ हो या नहीं हो, कम से कम बच्चों को गणेश जी के बारे में बताएं कि गणेश जी कौन है, उनकी माँ कौन, उनके भाई कौन है, उनकी पूजा किस लिए की जाती है, वो किस चीज़ के देवता हैं। भी सिर्फ नाचना गाना हुरण करना उत्सव का मतलब नहीं है, हमारे बच्चों को उत्सव की जानकारी तो हो कि उत्सव क्यों बन रहा है, भाई गणेश जी है कौन, है ना। सोसाइटी में आप प्रेरित करें और आप शुरू करेंगे धीरे धीरे शुरू होगा, ठीक है ना बेटा? जरूर। हाँ, और आप लोग मम्मी से बोलो कि हमें हमारे धर्म के बारे में बताओ, सुनने में मजा आएगा, बहुत कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां हैं धर्म के बारे में, बहुत कहानियां हैं। ठीक है, ओके।